Students, welcome back again. This is online science classes for class 8 and students, we were discussing chapter 2, microorganisms, strain and soil. Students, in previous classes, हम लोगों ने देखा था कि mosquito और house flies से किस तरह से disease cause होते हैं और उनके preventions को भी देखा था. हम लोगों ने देखा था कि कुछ disease causing microorganisms जो animals में होते हैं. Now today we will discuss disease causing microorganisms in plants. So some of the common plant diseases caused by microorganisms are rust of wheat, citrus canker, yellow vein, mosaic of Indi, etc. That means plants वगैरह में बहुत सारे microorganisms disease cause करते हैं student. Now student, what is food poisoning? Basically, the disease caused due to the presence of a large number of microorganisms in the food or due to the presence of toxic substances in food formed by the action of microorganisms is called food poisoning. फूड पॉइजनिंग बेसिकली एक डिजीज है जो फूड में हो जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है. पर्टिकुलरली फंगी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा फूड स्टफ्स को ये कर देता है, रॉट कर देता है. और अगर ऐसे फूड को खाया जाए तो बहुत जेन्युइन है वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, एब्डोमेन में पेन होना, हेडेक होना, फीवर होना. कभी कभी तो फूड पॉइजनिंग से इंसानों की जान डेथ तक हो जाती है. सो स्टूडेंट, आप फूड को हमेशा कवर्ड करके रखें, फूड हमेशा फ्रेश खाएं, कहीं भी अनकवर्ड फूड कहीं भी सड़क पर वगैरह नहीं खाना चाहिए. आप इसका ध्यान रखेंगे, फूड हमेशा कवर्ड होना चाहिए, वाटर हमेशा कवर्ड होना चाहिए, हमेशा फ्रेश होना चाहिए. भोजन हमेशा जो आप करते हैं वो कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ताजा होना चाहिए. फूड इज अ वेरी प्रीशियस मटेरियल, इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट. तो भोजन बहुत कीमती है, इसको आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसको यूजलेस नहीं करना चाहिए. और इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है. तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो फूड पॉइजनिंग से आप बच सकते हैं. सो व्हाट आर द वेज टू प्रिजर्व द फूड. आखिर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम लोग भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं. देखिए, इसमें बहुत सारे तरीके हैं. सन ड्राइंग, हीटिंग, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एडिशन ऑफ सुगर, एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यूज ऑफ स्पेशल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, पास्चराइजेशन, पैकिंग फूड इन एयर टाइट पैकेट्स. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स बाय विच वी कैन प्रिजर्व फूड मटेरियल्स. सो स्टूडेंट, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. अब जैसे देखिए, बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिनको सन ड्राई करके, दैट मीन्स डिहाइड्रेशन के थ्रू आप प्रिजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर, पीज, इन सभी को हम लोग अपने घर में सन ड्राइंग मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं. अब हीटिंग के थ्रू फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल आप देखते होंगे अपने घरों में मिल्क को. जब भी मिल्क आता है, मिल्कमैन मिल्क लेकर आता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसको पास्चराइज करते हैं. और जैसे ही वो पास्चराइज होता है, हीट हो जाता है, तो स्पॉइलेज नहीं होता. आपने देखा होगा बहुत बार मिल्क को गर्म नहीं करने के कारण वो मिल्क जो है क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खराब हो जाता है. दैट मीन्स उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया. तो ये भी एक तरीका है आपको फूड को प्रिजर्व करने का, दैट मीन्स आप हीटिंग कीजिए उसको. थर्ड वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग. अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग घर में फ्रीजर का यूज करते हैं, फ्रीजर में हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रखते हैं. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जब रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का लाइफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है. जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2 डेज में रॉट करते हैं, वो 4 या 5 डेज तक बिल्कुल अच्छे रहते हैं. ऐसा होता क्यों है, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ग्रोथ कम होता है. यही कारण है कि फ्रीजर वगैरह में डालकर हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. तो ये एक तरीका है. डीप फ्रीजिंग भी वैसा ही है. कुछ और भी वेज है, लाइक प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन सॉल्ट. आप कॉमन सॉल्ट का यूज करके भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. अब जैसे देखिएगा, बहुत सारे हमारे घरों में देखा गया है, पर्टिकुलरली इन इंडियन सोसाइटी, कि हम लोग पिकल्स का यूज करते हैं फूड में. और ये पिकल्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट को यूज करके प्रिजर्व करने का. फूड को बहुत जगह तो मीट वगैरह को, फिश वगैरह को भी कई दिनों तक साल्ट के साथ ऐड करके प्रिजर्व किया जाता है. नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सुगर. सुगर के थ्रू भी आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे जेली बना करके, जैम बना करके. आप देखिए, बहुत सारे फ्रूट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इतने दिन तक कैसे सुरक्षित रह पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सुगर इन देम. उनमें सुगर ऐड किया जाता है जिसके कारण उनका जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाता है. इसका एक अदर वे क्या है, मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर का यूज करके आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. पिकल्स, अचार जो हम लोग बनाते हैं घरों में, आंवला, लेमन, मैंगो, इन सबको इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है. कुछ केमिकल्स का यूज करके भी हम लोग फूड जो स्टफ्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. लाइक सोडियम मेटाबाइसल्फाइट एंड सोडियम बेंजोइट आर यूज टू प्रिजर्व फूड सच एज जैम्स, जेलीज, जूसेस एंड स्क्वैशेस.
इन सबको सुरक्षित रखने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है. इवन साइट्रिक एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन स्वीट्स. स्वीट्स में साइट्रिक एसिड डाल देने से वो प्रिजर्व रहते हैं. और एक सबसे अच्छा तरीका पाश्चराइजेशन, जैसा मैंने कहा कि 70 डिग्री सेल्सियस पर जब मिल्क को हीट किया जाता है तो 15 टू 30 सेकेंड्स के अंदर उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनको किल कर देते हैं और इस तरह फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है. एक और तरीका है एयर टाइट पैकेट्स, जैसे कुरकुरे या चिप्स वगैरह जो हम लोग तैयार करते हैं उसको क्या करते हैं एयर टाइट पैकेट किया जाता है. मीन्स एयर टाइट कर देने से क्या होता है उसमें एक्सटर्नल एयर इंटर नहीं कर पाता है और फूड प्रिजर्व हो जाता है. स्टूडेंट इन दिस चैप्टर देयर इज वन टॉपिक लेफ्ट विच विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास. ओके देन गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल.